हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी निशु। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आप लोग को पता होगा कि किस टूल का आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ। vegas.pk से मैंने ऑर्डर कराया था वेव ऑल, बेसिकली ये शॉर्ट हेयर के लिए था। तो जैसे ही मैंने देखा, मैंने कहा भाई ये तो मुझे चाहिए, क्योंकि मेरे बाल है शॉर्ट और स्टाइल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है शॉर्ट हेयर को। तो अगर आपके बाल भी हैं छोटे तो दिस वीडियो इज फॉर यू, और अगर लंबे भी हैं तो वीडियो देख लो, क्योंकि दिस थिंग इज रियली 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 गुड। अच्छा जी, गुड किस तरह से? बेसिकली वेव ऑल का ये वेवर जो है, इसकी कोटिंग सेरेमिक में हुई भी आपके बाल डैमेज नहीं करता। अब लोकल मार्केट में आपको चाइना मेड बहुत सारे वेवर्स मिल जाएंगे, 3 बैरल वाले 4 बैरल वाले, जो कि आपको बहुत जबरदस्त वेव्स देंगे, लेकिन वो आपके बालों को बहुत डैमेज करते हैं, आपके बालों की जान निकाल देते हैं, एक तो शाइन भी प्रोवाइड नहीं करते। इसकी सेरेमिक कोटिंग जो है ना, उससे इतनी खूबसूरत शाइन आती है आपके बालों में। अभी मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगी, थोड़ा बहुत मैं इसके बारे में बता देती हूँ। बाहर से इसकी कार्डबोर्ड पैकेजिंग दिखता कुछ इस तरह से है, ठीक है। जब शॉर्ट बाल आप कर्ल करोगे तो कुछ इस तरह से दिखेंगे, लॉन्ग कुछ इस तरह से दिखेंगे। इसके जो बैरल्स हैं, बेसिकली उसके बीच वाला जो बैरल है, ये एंटी स्कैल्प हीट प्रोटेक्टिंग ट्यूब है। बेसिकली अगर आपके स्कैल्प के साथ टच भी होता है तो आपकी स्कैल्प को जलाता नहीं है। फिर इसके टेम्परेचर के बारे में बात की गई है कि इसकी टेम्परेचर है 140 to 210, कंट्रोल कर सकते हैं आप, ठीक है, अपने बालों के हिसाब से। अगर बहुत थिन बाल हैं तो टेम्परेचर को थोड़ा सा कम ही रखें। देन इसके ये स्क्विरल कॉर्ड है, ठीक है, इसकी जो तार है वो टूटेगी नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा इशू यही होता है स्ट्रेटनर कर्ल्स वगैरह में कि अक्सर ये तार जो है वो टूट जाती है, ऐसा नहीं होगा। फिर है इनके जो बैरल्स हैं वो 25 mm है, परफेक्ट फॉर शॉर्ट हेयर। अच्छा, इसका नाम है वंडर वॉन्ड हेयर वेवर, नॉट कर्लर वेवर, ठीक है। बहुत मजे की वेव्स आती हैं, लूज वेव्स, बीची वेव्स, बहुत खूबसूरत लगती हैं। मैं अभी आपको डेमो दिखाऊंगी, मैं अंदर की पैकेजिंग आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, सो अंदर से दिखता कुछ इस तरह से है, बहुत ही खूबसूरत पिंक एंड ब्लैक कलर में। यहाँ से लिफ्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से खुलता है, और ये रहा एंटी स्कैल्प हीटिंग ट्यूब, ये रही, ठीक है। फिर ये है इसका स्टैंड, ठीक है, इसको रखने के लिए आराम से ये कुछ इस तरह से हो जाता है, आपका टेबल वगैरह जो है वो मेल्ट नहीं होना। देन यहाँ पे जो है ना, बेसिकली आप टेम्परेचर को मैनेज कर सकते हैं, कम और ज्यादा कर सकते हैं, 140 से 210 तक की इसकी टेम्परेचर है। ग्रिप बहुत अच्छी है, ठीक है, फिसलता नहीं है हाथ से, बहुत अच्छी ग्रिप है इसकी। देन ये रही इसकी कॉर्ड, अब हम इसको लगा लेते हैं, ठीक है। वाओ, वेव ऑल xvegas.pk। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी ऑफ आ रहा है, ठीक है, फोकस करें प्लीज, ऑफ आ रहा है। ये बीच वाला बटन प्रेस करेंगे तो ऑन हो जाएगा, फिर यहाँ से आप इसके टेम्परेचर को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। जितना ज्यादा करेंगे उतना इसने गर्म होना है, उतनी अच्छी वेव्स बनेगी। तो अब हम ज्यादा कर लेंगे 210। तब तक जो है हम फटाफट बालों को जो है वो सेक्शन कर लेंगे। मैं आपको थोड़े से बाल दिखाऊंगी वेव करके, और उसके बाद मैं फटाफट वेव्स बना लूंगी और एंड रिजल्ट आपको दिखाऊंगी, और थोड़ी सी हम इसके बारे में बात कर लेंगे कि ये क्यों लेना चाहिए और इसमें पैसे क्यों इन्वेस्ट करने चाहिए। एक बहुत ज़बरदस्त बात मैं आपको बताऊंगी, वैसे आप रिजल्ट देखेंगे तो आपको पता लग जाना है, मुझे बताने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़नी। सो लेट्स सो मैं यहाँ से सेक्शन ले रही हूँ, ठीक है। अच्छा, पहले मैं इस साइड के बालों पे वेवर यूज करूंगी, उसके बाद पूरे बालों पे। लाइट चली गई थी, ठीक है, तो लाइट जाने से पहले मैंने ये एक दो चंक जो है ना वो बाल कर्ल किए थे, कर्ल बोलते हैं, वेव किए थे, वेव्स बनाए थे, वेव्स डाले थे। तो आप देख सकते हैं पूरा एक घंटा गुजर गया बट बाल वैसे के वैसे ही है। हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि मैंने लगा लिया था। मैं फ्रंट से अभी करके दिखाती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि कैसे वेव्स बनते हैं, ठीक है। कंघी आपने कर लेनी है, क्योंकि मैंने कंघी कर ली है, कंघी के बगैर आपने बाल जो है वो कर्ल नहीं करने या वेव्स नहीं बनानी, उसमें हो सकता है थोड़े बहुत फ्रिजी हो जाए। तो मेक श्योर पहले हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे लगानी है बालों में, और उसके बाद आपने अच्छे से बालों को कॉम कर लेना है, ताकि स्प्रे जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए आपके बालों में और आपके बाल जले भुने नहीं। वैसे भी इसकी वजह से आपके बाल जो हैं वो खराब नहीं होते, मुझे वैसे ही डर लग रहा है। आपने थोड़ी देर अपने बालों को इसके अंदर इस तरह से बंद करना है, ठीक है, फिर ओपन करके आगे चले जाना है, ठीक है, आगे की तरफ, वेवर को आगे लेके जाना है बालों में। स्ट्रेटनर की तरह आपने सीधा इसको यूं नहीं करना, क्योंकि आपको वेव्स चाहिए ना, वेव्स चेक करें। और शाइन जो इतनी आती है ना इसमें, इस वेवर को यूज करके इतने कोई स्मूथ होते हैं बाल, सी सो शाइनी, वाओ, सो प्रिटी। ये आपने देख लिया, अब मैं अगेन एक चंक लूंगी, अगेन इसको इस तरह से ओपन करेंगे, बालों को यूं अंदर की तरफ
पुश करेंगे, इसको वापस बंद कर देंगे और आहिस्ता आहिस्ता इस वेवर को नीचे की तरफ लेके आएंगे बालों में, ठीक है। अच्छा जी, तो कैन यू सी कि कितने खूबसूरत और हसीन लग रहे हैं दीज वेव्स, मतलब कि इतने शाइनी एंड मुझे कोई सीरम लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, इतने खूबसूरत। आई लव इट। टाले यू, नाइस टू मीट यू, आई लव इट। कैन यू सी, लुक सो प्रिटी, लाइक ओ माय गॉड, तो हसीन। अच्छा जी, इसकी जो ये टिप्स है ना, ये ऐसी रहती हैं, ठीक है। सेकंड बहुत ज़रूरी बात कि इसके जो बैरल्स हैं ना, वो गर्मा गर्म रहते हैं, तो मेक श्योर कि आप कोई ग्लव्स व्लव्स पहन लो, वरना या तो आपके हाथ जल जाने हैं या आपकी स्कैल्प जल जानी है। तो मेक श्योर कि अगर फर्स्ट टाइम यूज़ करें तो तरीके से यूज़ करें, स्कैल्प के साथ ज़्यादा टच ना करें, जैसे कि मैंने स्कैल्प के साथ ज़्यादा टच नहीं की क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरी स्कैल्प ने जल जाना है, तो इतना जो है वो बड़ा रिस्क हम नहीं ले सकते। ओवरऑल दीज आर सो स्टन, मेरी तरफ से रिकमेंडेड। मैं फटाफट ये वाली साइड करके आती हूँ। सी, अच्छा जी, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम था, ठीक है, और ये मेरा सेकंड टाइम। लाइक यू कैन सी के थोड़ा एक्सपीरियंस होगा तो आप भी अच्छे से वेव्स बना सकेंगे। मेक श्योर कि जब आप वेव्स बना रहे हो तो आप बालों को खींचो नहीं, जितना आप खींचोगे आपके वेव्स उतने ही सीधे होंगे। जितना आप बालों को इस तरह से लिफ्ट करोगे, आपके बाल जो है वो फुल ऑफ वॉल्यूम और वेव्स बहुत अच्छे से बनेंगे। कैन यू सी, आई लुक सो प्रीटी। अपनी तारीफ में अपने मुँह मियां मिठू बन जाऊंगी, आज अपनी तारीफ में खुद करूंगी, मुँह मियां मिठू बनूंगी। नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि वेव्स अच्छे लग रहे हैं या नहीं। आई लव देम, मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। कैसे लग रहे हैं मेरे साथ हिबा? गुड। हाय गाइस, आज हिबा की बर्थडे और हिबा कह रही है कि मेरे आपने वेव्स बनाने हैं, जो भी हो जाए। सो मेरे वेव्स बन गए हैं एंड अब हिबा के मैं वेव्स बनाऊंगी। इसके बाल स्ट्रेट हैं। ये कैसे बाल कंघी किए? छोटी बच्ची हो क्या? ये क्या कर रहे हैं? I love it. Yay! अच्छा जी, तो ये रहा मेरा फाइनल रिव्यू। I love it. मैं रिकमेंड करूँगी आप लोगों को ट्राई करें, आपको भी बेहद पसंद आना है। बहुत खूबसूरत लगते हैं, लाइक बीची वेव्स। बस अब मैंने जाना है बीच पे, मैंने कोई बीच पे ले जाओ। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, अगर आप लोगों ने लेना हुआ, ज़बरदस्त। और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। So see you in a bit. Till then, take care. Bye.